नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का दूसरा क्वालिफायर मैच अबूधाबी के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में शिखर धवन के शानदार 78 रनों की बदौलत 3 विकेट खोकर 189 रन बनाए। सनराइजर हैदराबाद को फाइनल में पहुंचने के लिए 190 रनों का लक्ष्य मिला था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। जी हाँ, टीम के ओपनर और कप्तान डेविड वॉर्नर को कंगिसो रबाडा ने एक शानदार यॉर्कर लेंथ गेंद पर क्लीन बोल्ड कर वापस पवेलियन भेज दिया था। आपको बता दें, पारी के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर वॉर्नर का विकेट गिर गया था। सनराइजर हैदराबाद गहरे संकट में नजर आ रही थी। उम्मीद थी यहां से मनीष पांडे और प्रियम गर्ग टीम को आगे संभालेंगे, लेकिन पारी का पांचवां ओवर लेकर आए मार्कस टोनिस ने तो जैसे हैदराबाद की कमर तोड़कर रख दी। पहले इसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रियम गर्ग को क्लीन बोल्ड किया और इसके बाद आखिरी गेंद पर मनीष पांडे को कैच आउट कराकर एक ही ओवर में दो तगड़े झटके देकर एसआरएच की कमर तोड़ दी। आपको बता दें, इस ओवर में मार्कस टोनिस ने 8 रन खर्च करते हुए दो बड़े विकेट निकाल लिए। आपको बता दें, 5 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। आपको बता दें, इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए मार्कस टोनिस और शिखर धवन की जोड़ी ने शानदार शुरुआत की थी। दोनों पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े थे। जहां टोनिस ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए थे, वहीं धवन ने 50 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेली। टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 189 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। मार्कस टोनिस ने पहले बल्ले से और उसके बाद गेंद से भी कमाल दिखाते हुए टीम के लिए शानदार खेल दिखाया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।